हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो आपके फेस पर कितने छोटे बड़े ब्लैक स्पॉट्स हैं। आज हम बात करेंगे फेस पर होने वाले काले छोटे छोटे दाग धब्बों की, जिन्हें आप इग्नोर कर देते हैं और कुछ समय बाद ये अधिक मात्रा में दिखाई देने लग जाते हैं। कुछ छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स तो दिखाई भी नहीं देते। तो हम जानेंगे कि ये दाग धब्बे कैसे होते हैं, इन्हें आप कैसे अपने फेस पर देखेंगे। अगर आपके फेस पर भी यह ब्लैक स्पॉट्स हो गए हैं तो आप इन्हें कैसे ठीक करेंगे। सबसे पहले हम इनके कारण जान लेते हैं कि ये किन कारणों से होते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप ले सकें इसके बारे में पूरी जानकारी। आजकल का खान पान इस तरह से हो गया है कि लोग ऑयली फूड और फैटी फूड ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे मैदा से बनी चीज़ें, ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, बाहर का खाना। इसके अलावा पानी भी ठीक तरीके से नहीं पीते। कम मात्रा में पानी पीना भी एक कारण है जिससे फेस पर दाग धब्बे हो जाते हैं। टेंशन लेना, कुछ लोग बिना बात की छोटी छोटी चीज़ों के लिए टेंशन लेने लग जाते हैं, यह भी एक बड़ा कारण है जिससे आपके फेस पर इफ़ेक्ट होता है। रात को देर से सोना और सुबह देर से उठना, ये आपके फेस को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। आइए अब जानते हैं कि आप इन्हें फेस पर कैसे देख सकते हैं, और इसके लिए हम एलोवेरा जूस का यूज़ करेंगे। एलोवेरा एक बहुत ही अच्छी औषधि मानी जाती है। एलोवेरा में विटामिन ए सी ई होते हैं, विटामिन B12 होता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट है और इसमें फॉलिक एसिड, एमिनो एसिड भी होता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम होता है। तो आइए अब हम देखेंगे कि इसे हम कैसे प्रयोग करेंगे। हमें फ्रेश एलोवेरा लेना है, मार्केट वाला एलोवेरा जेल यूज़ नहीं करना है। आइए जानते हैं कि हम एलोवेरा को कैसे प्रिपेयर करेंगे जिससे हम उसे अपनी स्किन पर यूज़ कर सकते हैं। वेलकम बैक। तो आइए देखते हैं हम अपना एलोवेरा। देखिए, ये ग्रीन कलर का एलोवेरा है जो हमें लेना है, और ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके जो हमें मोटे वाले लीव्स हैं, हमें वो ही कट करने हैं। ये देखिए, हमने एक ही सिलेक्ट किया है अपना लीव, तो हम इसे ही कट करेंगे। और ये देख सकते हैं आप, हमारे पास एक छोटा एलोवेरा भी है जिसकी बेबी लीव्स हैं। हमें ये बेबी लीव्स को कट नहीं करना है, हमें मोटा वाला लीव्स ही लेना है। तो आइए कट करते हैं हम अपना एलोवेरा। ये देख सकते हैं हम, जैसे कि आप ये देखिए, हम ये वाला लीव्स कट करेंगे। फ्रेंड्स, एलोवेरा में और भी बहुत से गुण होते हैं, आने वाली वीडियो में हम आपको उनके बारे में ज़रूर बताएंगे। और ये देखिए, तो कट करते हैं हम अपना एलोवेरा। ये देखिए, एलोवेरा को कट करने के बाद उसमें से एक येलो कलर का लिक्विड निकलता है जो कि एक पॉइजन होता है। हमें इसको काटने के बाद इस पॉइजन को निकलने देना है, और हमें कम से कम इसको एक या दो घंटे के लिए छोड़ देना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये येलो कलर का लिक्विड जो होता है, इसे पॉइजन बोलते हैं। तो मुझे चाहिए एक और एलोवेरा लीफ, तो मैं इसे कट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम काटेंगे अपना सेकेंड लीफ। ये लीव पका हुआ है, हमें जो पके हुए लीव्स होते हैं हमें उन्हें ही काटना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर अच्छा जेल निकलता है और ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। ये देखिए, ये हमने कट कर लिया अपना सेकेंड लीव। काटने के बाद देखिए आप, इसमें से तुरंत ही ये येलो कलर का जेल निकलने लग जाता है। ये लिक्विड जो होता है, इसे पॉइजन कहते हैं, आपको पता है, जैसे कि आपको बताया गया है। शायद हो सकता है कि बहुत से लोगों को ये पता ही ना हो। और हमें ये देखिए, इसमें से ये जो येलो कलर का पॉइजन निकल रहा है, हम इसको छोड़ देंगे अभी अपने एलोवेरा को। और ये देखिए, आप देख सकते हैं, और इसको हम उसके बाद वॉश करके यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसके स्लाइस करेंगे, और उसके बाद हम इसे हाफ कट करके अपने फेस पे लगाएंगे। ये देख सकते हैं आप, हमने इसके दो स्लाइस कर लिए हैं। और ये जो इसका टिप्स है, हमें इसे यूज़ नहीं करना है, हमें इसे काट के एक साइड कर देंगे।
ये यूज़ करने लायक नहीं होता है, इसीलिए हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। अब हम इसे एक साइड से कट कर लेंगे और काटने के बाद हम इसे अच्छी तरह पील करके इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। ये देखिए हमने इसका साइड से छिलका निकाल लिया है, ये देखिए। अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि जो इसका जेल है वो बाहर आ जाए अच्छे से। ये देख सकते हैं आप, ये स्टिकी होने लग गया है बहुत ज़्यादा। और हम इसको अपने फेस पर अप्लाई करेंगे अच्छे से। मैं अपने हैंड पर अप्लाई करके दिखा रही हूँ आपको। फेस पर लगाने के बाद जब आप फेस वॉश करोगे तो आपके फेस पे से जितना भी डस्ट है, पोल्यूशन है, जितना वो सारा निकल जाएगा। और ये देख सकते हैं आप, मैंने इसे लगा लिया है, देखो ये बहुत स्टिकी स्टिकी हो रहा है। और इसमें आप अभी इसको आप दोबारा कट कर सकते हैं और उसके बाद आप इसे दोबारा भी लगा सकते हैं। आपको अच्छे से अपने फेस पर पूरा कवर कर लेना है जेल को, और 5 से 10 मिनट ही आपको लगाना है, ज़्यादा देर नहीं रखना है। देखिए मैं इसको एक बार फिर लगा रही हूँ दोबारा। उसके बाद हम अपना हैंड वॉश करके आपको दिखाएंगे। आप इसे फेस पर अप्लाई कीजिए और आपको 5 से 10 मिनट लगाना है और 7 से 10 डेज लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना हैंड वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं ये कितना क्लीन हो गया है। इसी तरह से आपका फेस भी क्लीन हो जाएगा और आपको फ़ायदा होगा। आप सोच रहे होंगे कि फ़ायदा होगा कैसे। जब आप ये एलोवेरा जेल अपने फेस पर लगाते हो तो यह फेस पर होने वाले ब्लैक स्पॉट्स को धीरे धीरे सुखा देता है और ये हल्के होने लग जाते हैं। आप यह ध्यान रखें कि इसे कंटिन्यू करें, आपको फर्स्ट डे ही इसका असर देखने को मिल जाएगा और आपकी स्किन स्मूथ भी हो जाएगी। आपको अपने फेस पर साबुन नहीं लगानी है और दिन में दो बार भी आप ये लगा सकते हो। सबका स्किन टाइप भी थोड़ा अलग होता है तो हो सकता है कुछ लोगों को रिज़ल्ट देर से मिले, पर आप निराश ना होए, इसे कंटिन्यू करें, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। थैंक यू।